आप सबको प्रभु के नाम से आशीष मिले। आज का दिन हम वचन में देखेंगे फर्स्ट कोरिंथियंस 14 चैप्टर 33 वर्स, पहला कोरिंथियंस 14 अध्याय 33 वर्स। इस वचन में हम देखेंगे कि खुदा का वचन कहते हैं, खुदा शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी का नहीं। तो जब हम हमारा खुदा शांति से है, हम भी दुनिया में शांति से और जीना चाहिए। हमारे बातें, हमारे हरकतें और हमारे सोच, कोई भी बात में हम अशांति से नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारे दिल में अगर शांति है और तो हम जहाँ भी बैठते हैं शांति फैलाते हैं। जैसा एक अच्छी खुशबूदार फूल जहाँ भी रखते हैं वो पूरी जगह पर अच्छी खुशबू आती है, इसी प्रकार अगर हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमारे बातें अच्छी लगते हैं, शांति से रहता है। और हम एक जानना चाहिए कि हमारा खुदा शांति रखता है और पीस, खुदा का नाम ही शांति है। तो हम जब हम प्रभु के पास जाते हैं, उनके सामने हम गड़बड़ नहीं करना, चिल्ला चिल्ला के दुआ नहीं करना, चिल्ला के बात नहीं करना, चिल्ला चिल्ला के गाना नहीं गाना और चिल्ला के कुछ भी ड्रम्स बजाना या हमारे बातों से दूसरों को डिस्टर्ब हुए जैसा हम बिहेव नहीं करना, क्योंकि ये बात खुदा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमारे बच्चे हमारे सामने अगर आके इस प्रकार के बिहेवियर करते हैं, चिल्लाते हैं और जोर जोर से बात करते हैं और उनकी बातों में से कोई इज्जत नहीं देता, तो कोई भी माँ बाप को ये बर्दाश्त नहीं होता। तो इमीडिएटली हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, या छोटे बच्चे तो मारते हैं, ये बड़े तो वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। तो अगर हम प्रभु से बात करना है, अगर हमारे ज़रूरतों के लिए हम खड़े रहना है, तो हमारे दिल में ये बात ज़रूर रख लेना है कि हम खुदा बनाए सो इंसान है, हमारे ताकत, हमारा सोचना, हमारा सब कुछ प्रभु ने दिया है, तो हम उनके सामने किस प्रकार पेश आना चाहिए। हम अगर घमंड करते हैं, चिल्लाते हैं और जोर जोर से बात करते हैं और हम हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, चिल्ला के हमारा जुबान दर्द हो जाता है और इस प्रकार से हमारे शरीर में भी बीमारी आ जाती है। और जो भी या ऑफिस में हो या घर में हो या कहीं भी बाहर हो, तो वही हम जिस प्रकार बात करते हैं रीसाउंड आए जैसा, वही दूसरों को भी उसी तरह से गुस्सा जाता है और जोर से बात करते हैं तो ना हमारे बात उनको समझ में आता, उनकी बात हमारे समझ में आता। लेकिन खुदा जो देख रहा है हम सबको, वो तो ज़रूर हमको पनिशमेंट तो देता है। तो हम ये बात समझना चाहिए कि खुदा क्या है। खुदा हमारे को बनाया है और वो आसमान पे है और हम ज़मीन पर उनके पैरों के पास हैं। तो हम इंसान हैं, हमारा ज़्यादा कुछ नहीं चलता। तो हम ये बात समझ के हर दिन खुदा के सामने हम हमारे ज़रूरतों के लिए, हमारे दिन के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारा कामकाज के लिए प्रभु के सामने इज्जत से पेश आके और शांति से बात करना और हम शांति से रहना और दूसरों को भी शांति से रहते हैं, ताकि खुदा को ये बात पसंद आता है। लेकिन अगर हम हमारे मनमर्जी करेंगे, हमारा दिमाग यूज़ करेंगे, हमारा ताकत यूज़ करेंगे और चिल्ला चिल्ला के पूरा गड़बड़ करेंगे, तो खुदा को ये बात पसंद नहीं आता और हम खुदा से आशीष नहीं लेकिन वहाँ से हम शाप ग्रस्त हो जाते हैं और भी तकलीफ में आ जाते हैं। क्योंकि पहले ही दुनिया में बहुत सारा तकलीफ है, बीमारियां है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है,
जॉब्स नहीं है और एक दूसरे के ऊपर मोहब्बत नहीं है, अगर हम इस प्रकार ये करेंगे तो हमारा है सो शांति जाएगा और हमारे अशांति से, हमारे गड़बड़ी का दिमाग से पूरी जगह हम और भी खराब कर सकते हैं। ये बात सोच के, ये बात हमारे लिए अच्छा नहीं, खुदा के सामने हम खुदा का प्यार पाने के लिए और हम इज्जत से पेश आएंगे, शांति से बात करेंगे और जो बात करना वही बात करेंगे ताकि हम सब आशीष पाए। खुदा आप सबको शांति दे। आमीन।